मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 30 चैन बुनी हैं और मैंने 10 नंबर का क्रोशिया लिया है। देखिए अब हम इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और यहाँ यानी फोर वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया से बुनना है इस तरह, एक ये दो, ये तीन। देखिए तीन मैंने बुन लिए और एक चैन लगा के चार हो गए। अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बुनेंगे। और ये देखिए इसी में यहाँ से इस तरह से हमने इसको इस तरह से फर्स्ट चैन में इसी चैन में हमने बुनना है। ये देखिए इस तरह दस चैन बुनने के बाद इसमें यहीं जिस जहाँ से आपने बुना था इसी में से हमने एक साथ बुनना है इस तरह से। फिर देखिए फिर आपने ये देखिए डबल क्रोशिया से बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच। देखिए पांच बार हमने डबल क्रोशिया से बुना, फिर हमने दस चैन बुननी है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये दस। फिर दस चैन बुनने के बाद देखिए इसी में यहाँ से हमने इस तरह से, फिर देखिए फिर हमने पांच चैन बुननी है, एक पांच चैन बोल रहे, पांच बार हमने डबल क्रोशिया से बुनना है, दो तीन चार पाँच और पाँच के बाद फिर दस चैन बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करके बताते हैं कि सेकंड रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली, ये देखिए। और अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए सेकंड रो कैसे बुनेंगे, आपने यहाँ पहले एक चैन बुननी है और इसे पलट दीजिए। पलटने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए हर चैन में आपने सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह, ये देखिए इस तरह से बुनेंगे। अभी यहाँ सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे, बस ये टू ही रो का डिज़ाइन है फ्रेंड्स, बस आपने रिपीट करना है इन टू रो को। तो अभी हम पहले सेकंड रो बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स मैं सेकंड रो कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो हर चैन में सिंगल क्रोशिया से बुन के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए अब यहाँ से हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे फ्रेंड्स,
यहाँ से दूसरा कलर लगा दीजिए। लगाने के बाद हमने इसमें तीन चैन बुन ली है और अब हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद हमने फिर से देखिए फर्स्ट रो की तरह डबल क्रोशिया से ही बुनना है। इसी तरह से हमने फर्स्ट रो की तरह रिपीट करना है। तीन हो गए, फिर देखिए तीन के बाद यहाँ चार हो गए। इस तरह से डबल क्रोशिया से मैंने बुन दिया। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बनेंगे। और देखिए यहाँ यहाँ से हमने इस तरह से बनाना है। फिर हमने देखिए यहाँ डबल क्रोशिया से बुनना है। एक दो तीन चार और ये पांच, पांच बुनने के बाद देखिए एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस, दस चैन बनेंगे। और यहाँ से इस तरह से फिर से हमने डबल क्रोशिया से बुनना है। एक दो तीन चार पाँच, फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट रो की तरह थर्ड रो भी देखिए इस तरह से बुन ली है। अब मैं इसको फाइनल करके बस इन फर्स्ट और सेकंड रो को रिपीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। मैंने इस डिजाइन में देखिए दो रो को देखिए इतनी चार पांच बार देखिए रिपीट कर लिया है। देखिए यहाँ इस तरह से सिर्फ ये टू ही रो जो मैंने रिपीट करी है इस तरह। अब हम देखिए इसको अपने क्रोशिया से इस तरह लेंगे और इसको देखिए इसके अंदर से आपने जैसे आप चैन बनाती हैं बस इसी तरह आपने लेना है। फिर इसके अंदर से डालेंगे, फिर ये देखिए पिंक वाले को इसके अंदर से निकालेंगे इस तरह से। फिर देखिए फिर हमने व्हाइट वाले को लेना है और इसके अंदर से निकालना है। तो देखिए इसका लुक इस तरह से आएगा। ये देखिए फिर हम इसी तरह से इन सबको कर लेंगे। ये देखिए इस तरह, फिर देखिए इसके अंदर से इस तरह करेंगे इस तरह से। देखिए बनने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। और फ्रेंड्स जब आप जितना बड़ा डिजाइन बनाने के बाद आपने देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया से एक पट्टी बुननी है इस तरह, और इसमें आपने इस तरह 10 चैनें नहीं बुननी। और इसके बाद फिर आप जब बंद करेंगे अपने डिजाइन को तो देखिए इस तरह से करेंगी आप, इसको पीछे करेंगी और इस तरह से देखिए यहाँ से आपने बुनना है। एक चैन ले लीजिए और देखिए हर चैन में आपने एक दो तीन, तीन के बाद देखिए ये जो आपकी यहाँ पर है यहाँ आपने क्या करना है, ये देखिए ये जो है आपका व्हाइट वाला इसे ऊपर लाएंगी यूं करके और इस व्हाइट वाले के अंदर से इस तरह से आपने बुनना है। ये देखिए इस तरह बंद होगा। फिर आपने चैनों के जितने गैप थे वहाँ सिंगल चैन से बुनेंगे इस तरह। और अब इसके बाद देखिए इसे लाना है ऊपर यहाँ। तो अभी आपने एक बार और सिंगल बुनने के बाद फिर आपने देखिए यहाँ से ये यहाँ इस तरह से बुनना है
तो फिर फ्रेंड्स देखिए इसका पीछे से इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए यहाँ ये बंद हो गया, ये देखिए यहाँ के मैं आपको एक बार और बता रही हूँ। देखिए पहले आप बीच में जो चैन के गैप थे उन्हें सिंगल क्रोशिया से बुन लीजिए इस तरह। और आप देखिए आपका ये यहाँ है, तो देखिए एक बार और बुनने के बाद अब आपने क्या करना है, देखिए इसमें बुनेंगे और फिर इसके बाद इस चैन को अंदर डालेंगे। दो जगह क्रोशिया डाला हमने, पहले इसमें फिर चैन में, फिर इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया से बुनना है इस तरह। फिर ये बीच में चैन का गैप है, इन्हें बुनेंगे। ये जो व्हाइट है इसे लेकर आएंगे यहाँ से, इसमें फिर इस चैन में, फिर इनमें से निकाल के इस तरह बनेंगे। तो इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे और अपने डिज़ाइन को फिनिश करेंगे। फ्रेंड्स आप इसमें अपनी पसंद के जितने चाहें कलर लगा सकती हैं। फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और अगर फ्रेंड्स आप इसमें अपनी पसंद के कई कलर लगा सकते हैं, मुझे तो सिर्फ बताना था आपको इसलिए मैंने यही कलर यूज़ करे हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh,